The Michaelis-Menten equation at low substrate concentration, we will discuss in this module. Substrate concentration ka jo hai, effect kya it is when it is very very low as compared to Km on V0. is तरह define usi graph से हम इसको define hyperbolic graph between V0, which is the initial velocity and the substrate concentration. तो उसी ग्राफिकल मेथड से एंड देन वी विल को हम जो है ना वो करेंगे इंटरप्रेट करेंगे बल्कि डिराइव करेंगे मैथमेटिकली कि बी नॉट पे उसका क्या इफेक्ट होगा जब सब्सिट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो इन देंक इन स्कोप ऑफ माइक्लस मैंट इक्वेशन इंटरप्रेटिंग वी मैक्स एंड के एम शोज अ ग्राफिकल सिंपल ग्राफिकल मैथड फॉर ऑपरेनिंग एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर केएम दिस ग्राफ शोज द कानेटिक पैरामीटर्स दैट डिफाइन द लिमिट ऑफ दर्व एट हाई एंड लो सबसे पहले हम लो सबसेट कंसनट्रेशन पे इसको डिफाइन करेंगे फिर उसको ग्राफिकल मैथड से डिफाइन करेंगे फिर हम उसको जो है मैथमेटिकली प्रूव करेंगे बाई द माइक्लेस मेंटेन इक्वेशन हमने यही हाइपरपोलिक कर्फ बनाया था कि ये सबस्टेट कंसनट्रेशन थी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने कहा था बी नॉट इज इनिशियल फिलॉसटी इसको हमने प्लॉट किया था प्रोवाइडेड दैट दी एंजाइम कंसनट्रेशन इज कांस्टेंट तो हमने डिफाइन किया था कि इनिशियली क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो उसके बी नॉट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दबस्टेट कंसनट्रेशन और लेटर ऑन एक लेवल पे आके हमने कहा था प्लेटू लाइट आ जाता है प्लेटू लाइट like जो है ना वो करवा जाता है कि जहाँ पे वी नॉट जो है वो वी मैक्स के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है लेकिन उसको टच नहीं करती अब हम देख रहे हैं कि जब सबस्टेट कंसनट्रेशन इट इज वेरी वेरी लो देन द के एम दैट इज द इफ वी डिफाइन दिस दिस इज द के एम एंड सबस्टेट कंसनट्रेशन इज वेरी वेरी लो वॉट विल

At low substrate concentration, when Km is very very high, then the substrate concentration or substrate concentration is very very low. And the substrate concentration term in the denominator of the Michaelis-Menten equation becomes insignificant. What is happening this is the Michaelis-Menten equation. This V is equal to V0 is equal to Vmax into substrate concentration. डिवाइडेड बाय के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अब हमने बोला कि सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू के एम तो ये सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बहुत थोड़ी सी रहेगी सो so, हमने इसको इग्नोर कर दिया कहाँ पे इग्नोर कर दिया जबकि ये डी नोमिनेटर एरिए में क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है अगर ये यहां जबकि मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ हम बहुत छोटी चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते तो सिंप्लिसिटी के लिए क्योंकि सब्जेक्ट कंसनेशन है ही बहुत थोड़ी सी इसलिए हमने उसको जो है इनसिग्निफिकेंट है उसको हमने कहा कि हमने इसको डी से इसको निकाल दिया सो दिस वी नॉट बिकम्स वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसेंटेशन डिवाइडेड बाई एम सिंस वी मैक्स एंड एम आर बोथ कॉन्स्टेंट एम भी हमने बोला था कॉन्स्टेंट है और वी मैक्स भी हमने का, बोला था ऊपर जाके एक स्ट्रेट लाइन है जो कांस्टेंट है देयर रेशो इज अगेन अ कांस्टेंट के केएम और वी मैक्स या वी मैक्स ओवर के एम जो है वो दोनों कांस्टेंट है उनकी जो है ना रेशो वो भी कांस्टेंट होगी इन अदर वर्ड्स द व्हेन द दबस्टेट कंसंट्रेशन इज कंसिडरेबली बिलो और वेरी वेरी बिलो देन द दी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्टेट कंसनट्रेशन तो हमने बोला कि जब सबस्टेट कंसेंट्रेशन बहुत कम हो गई इट इज वेरी वेरी लो तो वी नाट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दबस्टेट कंसनट्रेशन और वी नाट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्टेट और इसको हमने बोला था दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि जब substrate concentration directly proportional to the v naught ja directly proportional hoti, hai to the substrate concentration then it is known as the first order reaction the initial velocity or v naught therefore is directly proportional to the concentration of the substrate v naught therefore v naught exhibits a linear dependence on the substrate concentration As observed here and this is known as the first order reaction v not ko को हमने बोला था is directly v not is directly proportional to the substrate concentration. और इसी को हमने कहा था कि अगर वी नाट को इक्वल करें तो यहाँ के लगा दें एक constant, तो दिस इक्वेशन बिकम्स दिस वन सो यही कुछ हमने प्रूव कर दिया बाय द माइक्लिस मेंटेन इक्वेशन एंड ग्राफिकली भी यही कुछ जो है डिफाइन हो रहा है इसको अगर दूसरी डायग्राम में देखें तो वी कैन सी हियर के व्हेन एस इज मच लेस देन सब्सटेट देन के एम हमने कहा था एस इज वेरी वेरी लो देन द के एम तो यहां पे क्या हमने बोला कि वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दबस्टेट कंसनट्रेशन अब ये कहाँ डिफाइन हो रहा है इस ग्राफ में दिस इज दिस पॉइंट ए इज

और वहां ये इस तरह का प्लेटोलाइट करवाता है ये हम आगे नेक्स्ट मॉड्यूल में इसको भी डिटेल में डिफाइन करेंगे देयर फॉर एट कंसेंट्रेशन बिलो के एम रिएक्शन रेट इज फर्स्ट ऑर्डर दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द दबस्टेट सो वी हैव डिफाइंड इन दिस मॉड्यूल इन डिटेल के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या था उसको हमने ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट किया और उसको हमने मेंटेन इक्वेशन ने उसको किस तरह प्रूव किया सो दिस इज दंसनट्रेशन बिलो केएम वैन द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और द इनिशियल वेलोसिटी और वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दबस्टेट कंसनट्रेशन